बीच एक बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से। आपको बताते भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुजारी को गला काटकर जान से मारने की धमकी दी गई है। MSJ कॉलेज के हनुमान मंदिर के पुजारी को गला काटकर जान से मारने की धमकी दी गई है। लेटर में पुजारी को मंदिर छोड़ने की धमकी दी गई है। लेटर के जरिए पुजारी को धमकी दी गई है मंदिर नहीं छोड़ने पर, जान से मारने की भी धमकी दी गई है। मंदिर के दीवार पर चिपका हुआ मिला था ये धमकी भरा लेटर। तो बड़ी खबर आपको भरतपुर से बता रहे हैं, जहां पर मंदिर के पुजारी को जान से मारने की धमकी दी गई है। कहा गया है गला काटकर जान से मार देंगे। MSJ कॉलेज के हनुमान मंदिर के पुजारी को यह धमकी मिली है। तो बड़ी खबर भरतपुर से आपको बता रहे हैं, मंदिर छोड़ने को लेकर कहा गया है। और यह भी लेटर में लिखा है, कहा गया है कि अगर मंदिर नहीं छोड़ा तो जान से मार देंगे। जिसके बाद ABVP कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में प्रदर्शन किया। मथुरा गेट थाना पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। MSJ कॉलेज के हनुमान मंदिर के पुजारी को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद ABVP कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। ABVP कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में प्रदर्शन किया है। इसके अलावा आपको बता दें मथुरा गेट थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये लेटर यहां पर किसने चिपकाया है, जिसमें ये लिखा गया है पुजारी को ये धमकी दी गई है कि वो इस मंदिर को छोड़ दे, नहीं तो गला काट कर उनकी हत्या कर दी जाएगी। मथुरा गेट थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं भरतपुर से आ रही है, जहां पर पुजारी मंदिर के पुजारी को जान से मारने की धमकी दी गई है, और वो भी गला काट के मारने की धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भरतपुर से, जहां पर मंदिर के पुजारी को गला काटकर जान से मारने की धमकी दी गई है। जिसके बाद पुजारी का कहना है कि मैंने सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट नहीं किया है। इस मामले में ये माना जा रहा था कि शायद पुजारी ने कोई आपत्तिजनक पोस्ट किया होगा, जिसके बाद उन्हें इस तरह की धमकी दी गई है। लेकिन पुजारी का कहना है कि उन्होंने किसी भी तरह का आपत्तिजनक कोई पोस्ट नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल मथुरा गेट थाना पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है, और लेटर मिलने की खबर जैसे ही ABVP के छात्रों और कार्यकर्ताओं को मिली, वो लोग भी कॉलेज के गेट के पास प्रदर्शन करने लगे। धमकी मिलने के बाद ABVP कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है। ये लेटर की तस्वीर भी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये भी दिखा रहे हैं किस तरह से ABVP के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने कॉलेज गेट के पास धरना प्रदर्शन भी किया। तो बड़ी खबर इस वक्त की भरतपुर से आपको बता रहे हैं, जो MSJ कॉलेज के हनुमान मंदिर के पुजारी को जान से मारने की धमकी दी गई है, गला काटकर जान से मारने की धमकी दी गई है। जिसके बाद पुजारी का कहना है कि उन्होंने किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक पोस्ट भी नहीं किया था, इसके बावजूद भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, धमकी दी गई है। लेटर के जरिए चिपका हुआ मिला था ये लेटर। भरतपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंदिर के पुजारी को जान से मारने की धमकी मिली। तमाम जानकारी के साथ विशाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्योंकि यहां पर मंदिर के पुजारी ने खुद कहा है कि उन्होंने किसी तरह का कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं किया है, इसके बावजूद भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बिल्कुल, ये समझ से परे है, या तो कोई आपसे ड्रेस होगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं पुजारी को उदयपुर जैसा कांड करने की धमकी मिली है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई है, और बाकायदा जिसने लेटर लिखा है उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पुलिस की ओर से दबिशें भी दी जा रही है, क्योंकि मामला गंभीर है और कन्हैया जैसा एक तरह से कि अंजाम भुगतने की पंडित को धमकी दी गई है। यहाँ तक यह तक कहा गया है कि लेटर में ना सुबह ना शाम भरी दोपहरी में उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा यदि 10 दिन के अंदर अंदर मंदिर को बंद नहीं किया और मंदिर से नहीं गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब इसको लेकर ABVP जो कार्यकर्ता है उनमें रोष है, और वो वहां पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पंडित ने सुरक्षा की भी मांग की है,
और उन्होंने कहा कि उनका ना तो किसी उदयपुर कांड को लेकर उन्होंने किसी प्रकार का ना कोई धार्मिक पोस्ट किया और ना ही आरोप के खिलाफ कुछ लिखा। ऐसे में कहीं ना कहीं ये अंदाज से लगाया जा रहा है कि आपत्ति को विवाद होगा और उसके चलते इन लोगों ने धमकी दी होगी। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए।